डेली बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ करेंगे। मिले जुले संकेत कह सकते हैं क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत आप देखिए एक रेंज में ही होती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहले एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए सपाट कारोबार 11450 के इर्द गिर्द, यहां पर फिलहाल कामकाज आप देखेंगे। जापान के बाजार निक्केई में भी करीब 200 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, ट्रिपल सेंचुरी लगाकर डाउ ने कल क्लोजिंग दिखाई है। वहीं नैसडैक में भी करीब 2% तक का उछाल देखने को मिला। तो अमेरिकी बाजार से तो बेहतर संकेत आते हुए एशियाई बाजार की शुरुआत सपाट, लेकिन आगे किन लेवल्स पर ट्रेड होता है ये देखना काफी जरूरी होगा। आखिर एशियाई बाजार अमेरिकी बाजार में क्या कुछ हुआ है ये विस्तार से जान लेते हैं हम दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए वो उनसे समझेंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक संकेत हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कल अच्छी तेज़ी रही अमेरिकी बाजारों में, आज सुबह डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं बाजार, बट कोई ऐसे नेगेटिव खबरें तो नहीं आई हैं। काफ़ी अहम हफ्ता है ये, आज शाम फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है, तो वहाँ से कल शाम क्या नतीजे निकल कर आते हैं वहाँ पर नज़र देनी पड़ेगी। इसके अलावा चीन से आज काफी सारा डेटा आने वाला है जिसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा सेंटिमेंट पर असर होता है नहीं। इंडस्ट्रियल डेटा आएगा, रिटेल बिक्री का डेटा आएगा, तो वहां पर हमारी नजर है। और साथ ही जापान पर भी नजर डालिए, योशीहिडे सुगा ये बनेंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। इनका इंटरनल पार्टी चुनाव में ये जीत गए हैं, अब फॉर्मलाइजेशन का इंतजार है, तो पर यह कन्फर्म हो गया है कि अगले प्रधानमंत्री यही बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कल देखें तो फिर अमेरिकी बाजारों में बेहतरीन एक्शन रहा, 325 अंकों की तेजी के साथ डाउ बंद हुआ और इंट्राडे में तो 28,000 के स्तर के भी ऊपर हमने डाउ को जाते हुए देखा। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छा रिबाउंड आया, करीब 2% का उछाल हमने नैसडैक में देखा और दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में उतना एक्शन नहीं था जितना जो माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं वहां पर हमने काफी ज्यादा एक्शन देखा और वो डील के दम पर है जहां पर एनवीडिया यूके की आर्म होल्डिंग्स को खरीद रही है सॉफ्टबैंक से। इसके अलावा कुछ और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की भी खबरें आई जिसकी वजह से बाजारों में भरपूर एक्शन हमने देखा है। एस्ट्राजेनेका ने कुछ जगहों पर अपनी जो वैक्सीन स्टडी है उसको फिर से शुरू कर दिया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते उन्होंने वैक्सीन ट्रायल पर रोक लगाई थी क्योंकि एक कैंडिडेट में कोई अनडायग्नोज डिजीज पाई गई थी। अब ये ट्रायल फिर से शुरू हो गया पर हर लोकेशन पे शुरू नहीं हुआ है, यूएस में फिर से शुरू नहीं हुआ है, वहां पर अभी कुछ समय लग सकता है बट काफी लोकेशन पर फिर से शुरू हो गया है, तो वहां से भी निवेशक काफी खुश रहे। एप्पल यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स की घोषणा आज हो सकती है तो वहाँ पर नजर रहेगी और साथ ही आईपीओ मार्केट्स में काफ़ी एक्शन है, एक बड़ी आईपीओ खुलने वाली है यूएस में कुछ दिनों पर, तो वहाँ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। यूरोप के बाजार सपाट रहे बट काफ़ी वॉलेटाइल एक्शन रहा, सोने में हल्की सी खरीदारी देखी पर ब्रेंट कच्चे तेल में फिर से दबाव है और ब्रेंट अब $40 के नीचे फिसल चुका है। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही भारत और चीन के मुद्दे पर आज क्या ज्यादा फोकस रखना चाहिए क्योंकि रक्षा मंत्री का भी बयान आने वाला है इस पर? बिल्कुल, और आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा फैक्टर यही रहेगा, आज शायद 3 बजे लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर एक बयान दे सकते हैं, तो वहां पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एलएसी की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन स्टेबल ही है, कम भी नहीं हुई है टेंशन पर वहां से बढ़ी भी नहीं है। चाइनीज आर्मी अभी भी अपनी पोजिशन पर ही है, वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है पर पोजिशन होल्ड करके रखे हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ है यूएन पर जहां पर भारत ने चीन को हराकर एक यूएन की प्रेस्टिजियस बॉडी है इकोनॉमिक सोसाइटी करके वहां का हिस्सा अब भारत बन गया है। ये एक वोटिंग हुई थी जिसमें अफगानिस्तान भारत और चीन के बीच वोट्स हुए थे, भारत और अफगानिस्तान चुने गए, चीन को एक भी वोट नहीं मिला, तो एक ग्लोबल कम्युनिटी से भारत को सपोर्ट जरूर मिला है हालांकि एक अनरिलेटेड फैक्टर पर है। और साथ ही एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है यूएन की, वहां पर भी भारत को चुना गया है, तो ये एक डेवलपमेंट है कि भारत और चीन डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में थे पर वहां पर भारत को सबके वोट्स मिले और चीन को एक भी वोट नहीं मिला। जहां तक बॉर्डर की सिचुएशन का सवाल है, आज का जरूर अहम इवेंट यही रहेगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कहना है।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्लोबल बाजार से जो संकेत आ रहा है इस पर खास ध्यान आज रखिएगा, क्योंकि विदेशी बाजार में भी देखिए एशियाई बाजार की शुरुआत जैसे होती हुई दिखी, आगे क्या डेवलपमेंट आता है, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ढेर सारा है, आज कई सारे डेटा आने वाले जिस पर नजर रखनी होगी, और भारत और चीन के मुद्दे पर भी रक्षा मंत्री का बयान क्या आता है इस पर भी खास नजर रखनी चाहिए। जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, FIIs/DIIs का एक्शन, FIIs ने कैश मार्केट में खरीदारी जरूर की है लेकिन वायदा बाजार में FIIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं। कैश मार्केट में 298 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से आती हुई दिखी है, वहीं वायदा बाजार में 457 करोड़ की बिकवाली FIIs कर रहे हैं और DIIs की तरफ से कैश मार्केट में करीब 120 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े हैं। तो क्लियरली FIIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं लेकिन DIIs कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और वायदा बाजार में भी FIIs की बिकवाली के आंकड़े हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज विदेशी बाजारों के संकेतों को कैसे समझे, पहली रणनीति हमारे लिए क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी, संकेत तो अच्छे हैं, संकेत तो कहीं कोई दिक्कत वाले नहीं। अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है और खासतौर से नैसडेक के फ्यूचर्स जो भारतीय बाजारों के बंद होने तक इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, वहां पर और ज्यादा दमदार तेजी होती हुई दिखे। तो डाओ और नैसडेक दोनों ही मजबूती के साथ बंद हुए हैं और इतनी मजबूती के बाद अगर थोड़ी सी डाओ फ्यूचर्स में तो वो लाजमी है, उतना तो रहेगा ही, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल संकेतों में कहीं कोई खराबी के संकेत है नहीं, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये कि भारतीय बाजारों में भी आखिरी घंटे में जो बिकवाली हुई और उसके बाद जो डेटा नजर आ रहे हैं या फिर कोई ऐसी खबर भी नहीं दिख रही किस वजह से इतनी तेज बिकवाली हुई, तो वो प्रेशर भी कम होना चाहिए और डेटा उतने खराब है नहीं, तो मेरा ये समझना है शुरुआत होगी और अगर नीचे आएंगे भारतीय बाजार में तो निचले स्तरों से खरीदारी आनी चाहिए और उस लिहाज से 11,325 मजबूत सपोर्ट जोन है और इस रेंज में खरीदारी होनी चाहिए। तो अगर इस रेंज में बाजार आता है तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और ऊपरी स्तरों पर 11,475, ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सप्लाई जोन हो सकता है, वहां पर मुनाफा वसूली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी के लिए अब आखिरी सपोर्ट जो है वो 21,922 का है और वहां पर अगर सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी रुकता है तो ठीक, अगर वहां से नीचे का रास्ता खुलता है फिर 300 से 500 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो बैंक निफ्टी जरूर कमजोर नजर आ रहा है, कल की जो क्लोजिंग है वाकई में बैंक निफ्टी में खराब है। ऊपरी स्तरों पर 22,450 बैंक निफ्टी के लिए परफेक्ट शॉर्ट जोन है और वहां पर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और बिकवाली भी करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी कमजोर दिख रहा है, निफ्टी मजबूत दिख रहा है, तो दोनों ही इंडेक्स थोड़ा अलग अलग तरह का डायरेक्शन इस वक्त आपको देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पहली रणनीति तो हमारे सामने है, विदेशी बाजार के संकेतों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिकी बाजार ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, एशियाई बाजार के लिए अभी पूरा ट्रेडिंग सेशन बाकी है आगे बढ़ने के लिए। निफ्टी की अगर बात करें 11,325 से 11,375 के सपोर्ट जोन को आप मानकर चल सकते हैं, इन रेंज में सपोर्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं 11,475 से 11,550 की ऊपरी रेंज है जिसको आप मानकर चले। बैंक निफ्टी कल की जो गिरावट देखने को मिली उस गिरावट को सीरियसली लीजिएगा, हो सकता है वहां पर और ज्यादा एक अपटिक आता हुआ देखने को मिले। 22,450 से 22,650 के ऊपरी स्तरों को आप मानकर जरूर चले लेकिन ये शॉर्ट्स के लेवल होंगे, अगर इन लेवल्स पर देखेंगे आप बैंक निफ्टी को तो बिकवाली के लेवल्स को मानकर आप चल सकते हैं। तो 22,450 से 22,650 के ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए आज अहम होगी। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए पहले उसे देख लेते हैं। अभी मैं एक कॉल लेके आया हूँ, कॉल ऑप्शन वो है इन्फोसिस की। हमने देखा कि HCL के जो गाइडेंस उन्होंने दी अपने आने वाले नतीजों के पहले, तो उस दृष्टि से पूरे एक IT क्षेत्र के अंदर बिल्कुल एक सनसनी सी दौड़ गई और सभी को खासकर लार्ज कैप्स को बड़ा अच्छा उन्होंने मूव दिया। तो इन्फोसिस अभी 1,000 रुपए के कगार पर है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि 1,000 के कॉल 12.30 रुपए पे दी जा सकती है, जो कल का क्लोजिंग था 8.60 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा इसका 22 रुपए।
तो आपके पास इन्फोसिस सितंबर 1000 के कॉल पर बाय की राय दी गई है शर्मा जी के लिए की तरफ से 22 के लक्ष्य को आप मानकर चले 8.60 रुपए का 8.60 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1000 की कॉल आप बाय करके चल सकते हैं। हम हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें ऑप्शन की दमदार रणनीति के साथ ही बाजार का ढेर सारा एक्शन, दिन भर में बाजार में क्या कुछ हुआ है, अगले दिन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए जान लेते हैं खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर आज हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं। कुशल गुड मॉर्निंग बताएं। मॉर्निंग मानसी, तो सबसे पहले हेक्सावेयर इसकी जो डीलिस्टिंग है, इसके बोली लगाने की आज आखिरी तारीख है, तो इस पर फोकस रखिए। साथ ही वेदांता नतीजों पर बोर्ड बैठक जो है वो टल चुकी है और 30 सितंबर के पहले जो है अभी अपने नतीजे डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। साथ ही कल पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सेल यहाँ पर नंबर्स जो है अनुमान से कमजोर रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर जो आय आती हुई दिखी है 9067 करोड़ की है और हमारे जो अनुमान था 9450 करोड़ रुपये का था। साथ ही कंपनी का ने 1270 करोड़ रुपये का जो घाटा पोस्ट किया है। इसके अलावा पीवीआर यहां पर भी नंबर्स जो है कमजोर साइड पर ही है मानसी, इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो आय जो है करीब 12.5 करोड़ की आती हुई दिखी है। साथ ही जो इनका ओवरऑल घाटा है वो 140 करोड़ है और हमने जो अनुमान किया था वो 120 करोड़ रुपए का था, तो अनुमान से कमजोर नंबर्स इसके भी दिखे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पर भी नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, 2270 करोड़ के अनुमान के मुकाबले आय जो है 2171 करोड़ रुपए आती हुई दिखी है और साथ ही कंपनी ने जो घाटा पोस्ट किया है 226 करोड़ रुपए का है, पिछले साल करीब 50 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। साथ ही एनबीसीसी नंबर्स यहां पर भी कमजोर साइड पर हैं, अगर आप आय देखें तो वो 64% गिरकर 684 करोड़ हो गई है और जो मुनाफा है वहां पर भी 80% की कटौती है और 10 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। पंजाब एल्कलीज और एंड केमिकल्स पर नजर रखे, इन्होंने अपने ओपन ऑफर के भाव में बदलाव किए हैं, 39.1 प्रति शेयर से बढ़ाकर अब ओपन ऑफर का जो नया प्राइस है वो 45 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है और साथ ही अगर आप देखें तो जो ऑफर साइज है वो 26% से बढ़ाकर 33% कर दिया है उन्होंने। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस QIP के जरिए 683 करोड़ रुपये इन्होंने जुटाए हैं, 196.37 प्रति शेयर के भाव पर ये फंड्स जुटाए गए हैं। साथ ही अगर आप देखें तो शुगर स्टॉक्स आज के लिए काफ़ी फोकस में रहेंगे, सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर जो सब्सिडी है उसके नियमों को आसान कर दिया है, 90 दिन के बजाय अब कंपनियों को जो सब्सिडी है वो क्लेम करने के लिए 180 दिन मिलते हुए नजर आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है शुगर सेक्टर के लिए। ओके कुशल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा, याद रखिएगा Q1 FY 2021 यानी कि पहली तिमाही के जो नतीजे हैं ऑलमोस्ट वो खत्म होने की कगार पर है। आज कह सकते हैं कि ऑफिशियली एक लास्ट सेट होगा नतीजों का, उसके बाद इक्के दुक्के नतीजे जरूर आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन Q1 FY 2021 के नतीजे मोटे मोटे तौर पर सारे के सारे आ चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कई सारी खबरें हैं, काफी सारी इवेंट्स है जिस पर फोकस रहेगा, खासतौर से वेदांता जो बैठक होने वाली थी बैठक टलती हुई देखने को मिली है, इसके चलते भी आप नजर रखिए। और कई सारी कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद ऑफकोर्स कैश स्पेस में नतीजे जारी किए, लेकिन उस पर भी नजर होगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही शुगर स्टॉक्स न्यूज बेस इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते फोकस में रहेंगे। ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए आपके सामने रख देते हैं, हमारे पास कुल मिलाकर 5 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, 5 के 5 खरीदारी की है। शुरुआत इंटरग्लोब एविएशन से करेंगे, इन चॉइस ब्रोकिंग की राय है इंडिगो में आप खरीदारी कीजिएगा, 1390 के लक्ष्य को मानकर चले, 1280 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। ध्यान रखिए कल के कारोबारी सत्र में करीब 2.25% की बढ़त के साथ इंटरग्लोब एविएशन ने ट्रेड देखा और क्लोजिंग दिखाई। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय JSW स्टील पर है, खरीदारी कीजिएगा, 300 के लक्ष्य का मानकर चल सकते हैं 284 के स्टॉप लॉस के साथ। स्पेंसर रिटेल कल शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, करीब 4% की बढ़त के साथ स्टॉक ने ट्रेड किया, आज भी तेजी जारी रह सकती है, 100 के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं, 86 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाकर आप चल सकते हैं, खरीदारी का ही मन बनाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय मिश्र धातु निगम मिधानी पर है, यहां पर कैश मार्केट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 220 के टारगेट्स को मानकर आप चले, 205 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। और अंत में UPL आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है, 525 के टारगेट आप देख सकते हैं, 508 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहां पर बनाया जा सकता है। सारी की सारी कॉल्स आपके सामने, खरीदारी की राय फिलहाल बनती हुई। मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं, बाजार में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी
लीजिए और किन शहरों में आज आप लगाएंगे पैसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं kiranjadav.com के आशीष केलकर। आशीष गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसे देख रहे हैं आप? ग्लोबल मार्केट्स का जो इम्पैक्ट है किस तरह से पड़ता देखेंगे और साथ ही इवेंट स्पेसिफिक भी आज दिन काफी इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग मानसी जी, देखिए ओवरऑल निफ्टी का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि थोड़ा एक दायरे में फिलहाल शुरुआती दौर में कारोबार होने की संभावना है। हालांकि ओपनिंग जो है मैं स्लाइड पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं मानता हूं आज सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए 11,400, अगर हम 11,400 और 11,350 के बीच में रहते हैं तो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 11,570 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं चार्ट के ऊपर देख रहा हूं। तो अगर हम पॉजिटिव ओपनिंग मिलने के बाद ऊपर टिकते हैं तो मैं मानता हूं बुलिश मोमेंटम निफ्टी को 11,550-11,570 तक ले जा सकता है। तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 11,350 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 11,570 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा वीक लग रहा है रिलेटिवली मुझे। मैं मानता हूं कि 22,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो जब तक इसके ऊपर है कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे फिसलता है तो मैं मानता हूं 150-200 पॉइंट का तुरंत 10-15 मिनट में एक फॉल देखने को मिल सकता है, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही इसमें ट्रेड करें। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना भी जरूरी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन आशीष साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जब रखना जरूरी है तो कौन से ऐसे शेयर्स है पर्टिकुलरली जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? अंशी जी, दो स्टॉक चुने हैं मैंने, एक स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट का है और एक स्टॉक कैश सेगमेंट का है। डेरिवेटिव सेगमेंट में से अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही अच्छा पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 73 का और मेरा आज का या कल तक मैक्सिमम लक्ष्य रहेगा 79 का। दूसरा जो स्टॉक है वो कैश सेगमेंट से है। हमने कल देखा कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसी के चलते एलएनटी इंफोटेक में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज का स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है, खरीदारी करने की सलाह है। 2574 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 2750 का मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो और भी बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आशीष, कल के ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्पेस ने जो शानदार प्रदर्शन दिखाया है इसके बारे में डिस्कशन ना करें ये हो नहीं सकता। आईटी स्पेस कल बाजार को अच्छी तरह से संभाल रहा था, आज के लिए क्या सेम लेवल्स आप देख रहे हैं, अच्छी तेजी देख पाएंगे? हाँ डेफिनेटली हम देख सकते हैं आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी इंडेक्स का भी अगर हम चार्ट देखते हैं मानसी जी तो उसमें भी एक बहुत बड़े फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता हुआ हमने देखा है। तो टीसीएस जैसे स्टॉक है, टीसीएस और टेक महिंद्रा एक अच्छा स्टॉक रहेगा जिसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो आईटी सेक्टर में से ये एक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है 790 के करीब, अभी कल का क्लोजिंग है। मैं मानता हूं किसी को अगर खरीदारी करनी है तो टेक महिंद्रा में भी खरीदारी की जा सकती है। अगर कोई निवेश करना चाहता है तो निवेश करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है टेक महिंद्रा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे ख्याल से 778 का और पहला लक्ष्य रहेगा करीबन 840 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा करीबन 870 रुपए का, जो कि मैं अगले 2 या 3 हफ्ते में अचीव होता हुआ देख पाऊंगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। हमारे साथ अजय केडिया अब जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी में तेज उछाल हम देख रहे हैं, आज इन लेवल्स को देखते हुए क्या और ज्यादा तेजी की गुंजाइश है, खरीदारी की कॉल देंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी, डेफिनेटली कल के सेशन में हमने देखा जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो कल के सेशन में हमने जिस ढंग से एमसीएक्स बुलडेक्स गोल्ड और सिल्वर तीनों में ही हमने करीबन 1% की तेजी आती हुई देखी, ये तेजी आज भी कायम रहेगी बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से फेड की जो मीट है वो आज से चालू होगी, उसका आउटकम कल आना है तो वो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज मुझे लगता है कि एकदम छोटी क्वांटिटी में अगर हम 51,500 में गोल्ड ले तो अपसाइड में मुझे लगता है 51,850 से 900 तक का लेवल दिखा देगा। जब तक 52,100 के ऊपर नहीं निकलता गोल्ड में बड़ी तेजी नहीं हो सकती, जो इंटरनेशनल में $1,970 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लगता है मार्केट में तेजी का रुख रहेगा, 69,400 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है बट अपसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, 70,000 के ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो शॉर्ट टर्म में लेके चलना चाहिए।
बिल्कुल अजय जी, साथ ही कच्चे तेल के चाल पर और साथ ही बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या होगी? कच्चे तेल में हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है लोअर साइड में, जिस दिन से हमने देखा ब्रेंट ने भी 40 का लेवल तोड़ चुका है, डिमांड कंसर्न बना हुआ है। जिस दिन से आज मॉर्निंग में एक अपडेट आया कि इजराइल हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रीइंपोज रेस्ट्रिक्शन, तो कहीं ना कहीं कंसर्न बना हुआ है वापस लॉकडाउन का या कोविड के सेकेंड वेव का, जिसके चलते डिमांड हैम्पर होगी और वो कहीं ना कहीं क्रूड पे एक इम्पैक्ट करेगी। तो क्रूड में मुझे लगता है 2780 की रेंज में बेच के चलिए, 2650 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष चतुर्वेदी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले देखिए एचडीएफसी लिमिटेड दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये कहा गया कि अगले 60 दिनों में अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइसेस में बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 2280 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1736 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की एक और फाइनेंशियल स्टॉक पर कवरेज है एमएनएम फाइनेंस पर, और यहाँ पर भी सेम तर्क दिया गया कि अगले 60 दिनों में इन स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। एमएनएम फाइनेंस पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए, 133 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसबीआई लाइफ, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई देखिए, सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए, 857 जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि लंबी अवधि में देखे तो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल काफी बढ़िया नजर आता है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।